सिंगरौली के 5 गांवों में आदित्य बिरला की मिल माइंस को आवंटित कोल ब्लॉक के लिए अधिग्रहण कार्यवाही में कुल 1850.94 हेक्टेयर भूमियों से विस्थापन के संबंध में पर्यावरणीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित इस सुनवाई में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक M.K. श्रीवास्तव और अपर कलेक्टर DP बर्मन सहित SDM विकास सिंह, कंपनी प्रबंधन और विस्थापित हितग्राही शामिल हुए। कटनी में 5 गांवों बंदा, तेंदुआ, पिंडरवा, देवरी और पचौर में आदित्य बिरला की ईमेल माइंस को आवंटित कोल ब्लॉक के लिए अधिग्रहण कार्रवाई में कुल 1850.94 हेक्टेयर भूमियों से विस्थापन के संबंध में पर्यावरणीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें विस्थापित होने वाले लोगों की शिकायतें सुनी गईं और उन शिकायतों को उचित माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने का आश्वासन दिया गया, जिस पर प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता रखी जाने की बात कही है। वहीं विस्थापित नेता देवेंद्र पाठक, सरपंच बंधा के साथ सैकड़ों हितग्राहियों ने बिना सार्थक हल किए इस मामले पर अपना विरोध दर्ज करवाया और मांग पत्र सौंपा। देखिए, पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जो आज बैठक रखी गई थी, उसमें 2000 से ऊपर जनता थी और जनता को भय, इसके पूर्व जिले की जो कंपनियां आई हैं उनसे जनता काफ़ी पीड़ित और दुखी है। जनता ये कह रही है कि पूर्व की जो कंपनियां आई हैं, जिस तरह से उनके साथ सौतेला व्यवहार, नौकरी नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, मुआवजा ठीक से नहीं दे रहे हैं, उसी तरह की पुनरावृत्ति बंधा कोल ब्लॉक में न हो, इसके लिए अलग से CSR का प्रावधान किया जाए और हर विस्थापित को रोजगार देना अनिवार्य किया जाए। आए हुए हैं उन सबको भारत सरकार नई दिल्ली पे वो भेजा जाएगा, उसी के अनुरूप उस पर कार्रवाई वहाँ पे संपन्न होने के बाद ही कार्रवाई संपन्न हो पाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।